गाइस, क्रिएटिन एक ग्रेट सप्लीमेंट है और इसकी बहुत सी फॉर्म्स आती हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्रिएटिन फॉर्म आपके लिए सही है। तो आज हम कंपेयर करेंगे दो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन की जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, और दूसरे कॉर्नर में जो क्रिएटिन की फॉर्म यूज की जाती है वो है क्रिएटिन HCl। लोगों का ये मानना है कि क्रिएटिन बेस्ट सप्लीमेंट है इन द मार्केट, लेकिन कुछ लोग इसे बेकार सप्लीमेंट मानते हैं। सो आज हम इसी के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। क्रिएटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता है। क्रिएटिन टर्न्ड होता है इनटू क्रिएटिन फॉस्फेट, जो देन यूज होता है टू हेल्प ATP विद इन द बॉडी। ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक ऐसी चीज है जो हेल्प करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने में आपके मसल्स के लिए टू एबल टू कंट्रैक्ट। अपनी डाइट में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंटेशन से आप इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, लीन मास एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस करते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ सप्लीमेंटिंग क्रिएटिन इज दैट ये हेल्प करता है स्ट्रेंथ को बढ़ाने में फास्टर रेट से। बहुत सी स्टडीज ये शो करती हैं कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से आपको इंक्रीज इन स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। क्रिएटिन की सप्लीमेंटेशन से आपको लीन मास बढ़ने में भी मदद मिलती है। एक स्टडी पावर लिफ्टर्स पे की गई जिसमें यह पाया गया कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन सिग्निफिकेंटली लीन मास को इंक्रीज करती है। इसकी सप्लीमेंटेशन से एथलेटिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। विद इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड लीन मास, एथलेटिक परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एथलीट्स जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि स्विमिंग, रोइंग, साइकिलिंग एंड बॉडी बिल्डिंग, उनके परफॉर्मेंस लेवल्स पर ये टेस्ट किया गया है और इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। चलिए अभी ये जानते हैं कि क्रिएटिन HCl और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में डिफरेंस क्या है। क्रिएटिन HCl को एक इजीली एब्जॉर्ब्ड क्रिएटिन फॉर्म ट्रीट किया जाता है, जिसके फ्यूअर साइड इफेक्ट्स हैं और जिसे लोडिंग फेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को लेने से आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्रिएटिन HCl उन साइड इफेक्ट्स को एलिमिनेट करता है। क्रिएटिन HCl क्रिएटिन का मोस्ट कंसंट्रेटेड वर्जन है और इसी रीजन की वजह से ये 60% ज़्यादा इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द बॉडी। इसकी हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एक और एडवांटेज प्रोवाइड करती है ओवर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। एज अपोज टू क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, आपको लेस क्रिएटिन HCl की रिक्वायरमेंट होती है टू गेट द सेम रिजल्ट। कुछ लोग जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं वो स्टोमक प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करते हैं। ऑल्दो ये परसेंटेज बहुत कम है जिन्हें ये स्टोमक प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं इसके रिलेटेड, इससे यूज से आपको स्टोमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन क्रिएटिन HCl के केस में ऐसा नहीं देखने को मिला है। क्रिएटिन HCl को लेते वक्त आपको कोई लोडिंग फेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के केस में होता है। सो आप अपने हिसाब से इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएटिन HCl और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट दोनों ही आपको मदद करते हैं स्ट्रॉन्गर होने में, लीनर होने में और आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में। ओनली डिफरेंस इज दैट क्रिएटिन HCl को हायर एब्जॉर्प्शन रेट के साथ पाया गया है विद नन ऑफ द साइड इफेक्ट्स कंपेयर टू क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। बट हाँ, अगर आपके ट्रेनर या कोई और कंसल्टेंट आपको मोनोहाइड्रेट सजेस्ट करते हैं, देन आप उसी को यूज़ करें, क्योंकि उसे लेने का तरीका उन्हें प्रॉपर पता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्रिएटिन HCl को कंज्यूम नहीं करते हैं, इसलिए उनको उसको लेने का तरीका भी नहीं पता है। तो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को लें अगर आपको HCl के बारे में नॉलेज नहीं है। तो गाइस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट वर्सेस क्रिएटिन HCl बॉडी बिल्डिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग सप्लीमेंट्स। गाइस, अगर आपको इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड कीप वॉचिंग अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।